स्वामी विवेकानंद युवाओं से क्या चाहते थे? वो युवाओं से वो जो अपेक्षा उस समय कर रहे थे, वो अपेक्षा आज भी है। तो युवाओं को स्वामी विवेकानंद का उस समय का जो उनका आग्रह था वो सुनना चाहिए। स्वामी क्या चाहते थे? वे कहते थे, वो चाहते थे कि हम मनुष्यों में भारत माता में स्थित देवत्व की पूजा करें हम उसकी। तो उन्होंने दृढ़ होकर कहा, आगामी 50 वर्षों के लिए हमारा केवल एक ही विचार केंद्र होगा और वह है हमारी महान मातृभूमि भारत। दूसरे व्यर्थ के देवताओं को समय तक के लिए हमारे मन से लुप्त हो जाने दो। हमारा भारत, हमारा राष्ट्र केवल यही एक देवता है जो जाग रहा है, जिसके हर जगह हाथ हैं, हर जगह पैर हैं, हर जगह कान हैं, जो सब वस्तुओं में व्याप्त है। दूसरे सब देवता सो रहे हैं। हम क्यों इन व्यर्थ के देवताओं के पीछे दौड़ें और उस देवता की, उस विराट की पूजा क्यों न करें जिसे हम अपने चारों ओर देख रहे हैं? जब हम उसकी पूजा कर लेंगे तभी हम सभी देवताओं की पूजा करने के योग्य बनेंगे। मित्रों, स्वामी विवेकानंद के इस आह्वान में भारत की ताकत छुपी है। भारत के लिए जो करना चाहिए युवाओं को, वो संदेश छुपा है। तो आज स्वामी विवेकानंद के उस संदेश को हमको जीवन में उतारना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।